हेलो दोस्तों, भारत लीगल सर्विस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ई श्रम कार्ड की लिस्ट के बारे में, यानी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से ई श्रम कार्ड की लिस्ट। दोस्तों, ई श्रम कार्ड जो है वो श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को एक पहचान कार्ड है, जिसमें बहुत सारी स्कीम का लाभ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मोस्टली सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, जिसमें आपको एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, कैसे हम चेक करें कि हमारा श्रमिक कार्ड जो है किस तरीके से बना हुआ है। श्रमिक कार्ड की पूरी लिस्ट की डिटेल हम इस ऑफिशियल साइट के माध्यम से दोस्तों डाउनलोड करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक डैशबोर्ड का ऑप्शन जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड का आपको वेट करना होगा, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा अगले पेज पर, जिसमें कुछ सेकंड के बाद ये पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है आपकी ऑफिशियल साइट पर। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस डैशबोर्ड के माध्यम से कैसे आप अपना ई श्रम कार्ड की डिटेल को मैच कर सकते हैं, यानी आप अपने ई श्रम कार्ड की डिटेल को इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका उस लिस्ट में नाम है कि नहीं है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है सिलेक्ट स्टेट, उस पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे, अपनी स्टेट सिलेक्ट कर देंगे जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है अगले ऑप्शन पे हम जाएंगे, कि अगला ऑप्शन रिडायरेक्ट हो जाता है। इस पर आपको सिलेक्ट करना होता है ऑक्यूपेशन, यानी आप किस कार के लिए आप चेक करना चाहते हैं, यानी जो आपने ई श्रम कार्ड किस काम के लिए बनाया था वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों, इसमें सभी कामों की ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्रीकल्चर। अब मैं एग्रीकल्चर पे क्लिक करने के बाद आगे ऑप्शन फॉलो करने वाला हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की साइड में आपको पूरा ब्यौरा दिखाई देने लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने कार्ड बन चुके हैं और एग्रीकल्चर कैटेगरी में कितने कार्ड बन चुके हैं। इसमें सारी डिटेल आपको दोस्तों मिलने वाली है। सारी डिटेल आप फ़ोन के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि लेबर, क्रॉप फार्मर हो गया, एग्रीकल्चर में जितनी भी कैटेगरी आती हैं वो सारी आपको इसमें के माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी लिस्ट डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप अपना इसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैंने ये डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैं इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी कितने कार्ड इशू हुए हैं इस एग्रीकल्चर कैटेगरी में। तो इसमें मैं सिलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन पे चला जाऊँगा दोस्तों एग्रीकल्चर वाले पर, जिसमें आपको बहुत सारी ट्रेंडें आपको दिखाई दे रही हैं। अब इस लिस्ट में मैं दोस्तों अपना नाम देखने के लिए पूरी इसकी PDF में डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, आपका नाम, आपकी फैमिली में जितने भी कार्ड इशू हुए होंगे सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, मैंने ये PDF आपका डाउनलोड कर लिया है और ये डाउनलोड होने के बाद इसमें पूरी डिटेल आपकी शो हो रही है, यानी आपका जो है एक साइड में आपको ई श्रम कार्ड का नंबर शो हो रहा है और एक साइड में आपको डिटेल आ रही है, यानी परिवार के नाम भी आ रहे हैं और इसमें आप स्क्रॉल करके आप इसमें अपना नाम फाइंड भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसमें अपना नाम फाइंड किया है। फाइंड करने पर अगर इस प्रकार का कोई भी एरर आता है तो आपको जो है इसमें कुछ सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद आप अपना नाम फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को खुद के माध्यम से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है आपकी ऑफिशियल साइट से भी आप निकाल सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड की लिस्ट में नाम है कि नहीं है, बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि नहीं है, ये सारी डिटेल आपको इस प्रोसीजर के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, तो ये आप फ़ोन में आप ट्राई करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रोजाना की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।